ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੜੇ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਖਤੀਆਂ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ 200 ਕਿਸਾਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। जासूसी मामले से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एक पत्रकार वालों दायर पटिशन कोर्ट ने की मंजूर। मामले की निरपक्ष जांच की की गई अपील। आंगनवाड़ी वर्करा ने वित्त मंत्री के खिलाफ खोलिया मोर्चा। पिंड बादल के मनप्रीत बादल की कोठी अगे लगाया धरना। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की हरियाणा पैटर्न लागू करने की मांग। चंडीगढ़ के मुलाजम पेंशनर सांझा फ्रंट की कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के नाल मीटिंग जारी। मुलाजमान ने मंगा ना मनण की सूरत में 9 से 15 अगस्त तक हड़ताल से जाने की दी चेतावनी। सीबीएसई के 12वीं जमात के नतीजे का आज होगा ऐलान। आज ही आएंगे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के 12वीं जमात के नतीजे। नहरा गागा में भारी मीह करके हड़ वर्गे बने हालात। सड़कों ने तारिया नहरों का रूप। हरियाणा के फतेहाबाद तेज मीह करके सड़क बनिया तला। लोग परेशान। दिल्ली के वार्निंग लेवल तो उपर पहुंची यमुना। हेठले इलाकों में अलर्ट जारी। हथनी कुंड बैराज तो छड़िया पानी। अब शाम दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। तलवंडी साबो तेज मीह ने बताई मुश्किल। पिंड फतेहगढ़ नयाबाद के फसल हुई तबाह। घर च पड़िया पानी। सड़क भी डुबिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की जित। आयरलैंड को 1-0 नाल हराया। लवलीना बोरगोहेन चीनी ताइपे के मुक्केबाज को हरा के सैमीफाइनल में पहुंची। मैडल पक्का।